समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे, ये बात अब पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दोनों ही नेता शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी भी अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है और इसी वजह से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और देखिए अधीर रंजन चौधरी भी उन नेताओं में शामिल हैं जो अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। जब औपचारिक रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये हो जाता कि उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में एक विशाल मंदिर भगवान श्री राम के लिए बने, कोर्ट में देरी हो उसकी उनकी इच्छा थी। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा भगवान श्री राम तो काल्पनिक है, उन्हीं के सहयोगी दल रोज सुबह शाम अलग अलग चीजें कहते हैं भगवान श्री राम, भगवान को लेके, हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके। तो आज जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नेतृत्व वहां नहीं जाएगा, ये आरएसएस या किसी और संगठन से लेना देना नहीं है, ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है। कांग्रेस ने अयोध्या का जो इन्विटेशन था प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का, उसको ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस की अपनी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो साथ में ये लिखा कि ये बीजेपी का इवेंट है, मुझे लगता है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये किसी भी धर्म धार्मिक आस्था के खिलाफ है, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठीक है सोनिया जी का या उनके परिवार का प्रभु राम में आस्था ना हो, वो सनातन धर्म में उनकी आस्था ना हो, लेकिन हम लोगों की आस्था अलग अलग धर्मों में हो सकती है, लेकिन हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना चाहिए और दूसरे की खुशी में शामिल भी होना चाहिए। तो इससे हमारी आपस में एक प्यार और सम्मान बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन कांग्रेस द्वारा ये कहना कि ये बीजेपी का इवेंट है, मुझे लगता है ये उससे भी घटिया किस्म की राजनीति है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल नहीं होंगे, क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? और स्वाति, क्या राहुल गांधी 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता शांतनु 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया है। क्योंकि अगर हम निमंत्रण की बात करते हैं तो सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निमंत्रण भेजा गया था कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी को ये निमंत्रण भेजा गया था, तीनों नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। कई दिनों से खबरें चल रही थी और बताया जा रहा था कि नहीं शामिल हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब बयान जारी कर दिया गया है जिसमें कह दिया गया है कि ये आरएसएस और बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है और कहा है कि इसको राजनीतिक तौर पर पूरा राम मंदिर के अगर वर्षों की बात की जाए तो इसको आरएसएस और बीजेपी ने राजनीतिकरण इसका कर दिया है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि चुनाव को देखते हुए ये राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है। जो प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है उसमें हमला आरएसएस और बीजेपी पर बोला है, जिसको लेकर अब बीजेपी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब शांतनु ये साफ है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है जिसको लेकर भव्य तौर पर तैयारी की जा रही है, उस समारोह में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं हो रहे। और ये भी साफ है
है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं जो 15 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे, लेकिन 22 जनवरी की बात करते हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया था अब अस्वीकार कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो है जिस तरह से निमंत्रण मिला गया था, ये भी कहा गया है कि पिछले महीने निमंत्रण भेजा गया था लेकिन आरएसएस और बीजेपी का बता दिया गया है, और चुनावी ये भी कहा गया है कि चुनाव चूंकि लोकसभा चुनाव है इसीलिए उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब मामला जो है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द ही, अगर बात की जाए राम मंदिर के इर्द गिर्द ही पूरा जो एक लोकसभा चुनाव की तैयारियों की भी अगर बात की जाए तो पूरी तरह से यही अब स्वाति कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब इस बात पर अपनी सफाई दे रही है कि अब जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसका कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं होगा। देखिए जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसकी बात करते हैं तो इसमें साफ तौर पर शांतनु लिखा गया है कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, ये लिखा गया और ये कहा गया है कि वर्षों से जो अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया गया है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें ये बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि जो धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय होता है। और इसको ये भी लिखा गया है इसमें कि सम्मान अस्वीकार करते, यानी जो निमंत्रण भेजा गया था इन तीनों नेताओं को, ये सम्मान इसको अस्वीकार किया गया है, यानी सीधे तौर पर ठुकरा दिया गया है। और अगर हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बात करते हैं तो भव्य तौर पर इसकी तैयारी हो रही है, कई विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब साफ कर दिया है कि जो निमंत्रण भेजा गया है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर हम अधीर रंजन चौधरी की बात करते हैं, तो ये तीनों ही नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति।